एक्स गर्लफ्रेंड ने लगाए मोहम्मद नजीम पर गंभीर आरोप। एक्स गर्लफ्रेंड ने साधा मोहम्मद नजीम पर निशाना। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। पॉपुलर टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया फेम मोहम्मद नजीम फिर एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में नजीम के एक्स गर्लफ्रेंड शाइना सेठ ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 साल के रिश्ते के खत्म होने के बाद शाइना ने अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी तोड़ी है। शाइना सेठ एक एरो कार्ड रीडर है। वो करीब 8 साल तक मोहम्मद नजीम खिलजी के साथ रिलेशनशिप में रही है। हालांकि दोनों अब साथ नहीं है। इनका रिश्ता साल 2019 में खत्म हो गया था। अब हाल ही में शाइना ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते की सच्चाई बताई है। शाइना ने कहा कि नजीम ने उन्हें कई बार धोखा दिया है। डेटिंग के दौरान कई लड़कियों ने नजीम की बेवफाई का सबूत दिया था, लेकिन मैं नजीम को हमेशा से माफ करती रही। शाइना ने आगे कहा कि उन्होंने नजीम को हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। एक समय उन्होंने मेरी माँ को कॉल कर हमारे रिश्ते को सुधारने के बारे में भी बात की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता वापस आए। हमारे 8 साल के रिलेशनशिप में सिर्फ 1 साल सबसे अच्छा रहा, इसके बाद ये रिश्ता बस नाम का रहा। शाइना के बाद अब नजीम डायरेक्टर फराह कादर को डेट कर रहे हैं। शाइना के इस बयान पर अब तक नजीम या उनकी गर्लफ्रेंड की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। नजीम और फराह अपने रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं। नजीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो लगातार अपनी फोटोज और वीडियोस फैंस के साथ शेयर करते हैं। फिलहाल तो नजीम पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने 8 साल बाद बड़े ही संगीन आरोप लगाए हैं। देखना होगा कि इस पर क्या होता है मोहम्मद नजीम का रिएक्शन। टेलीविजन से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए टेलीचक्कर के साथ बने रहे। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to a new